स्ट्रेंड्स वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टॉपिक हमने जो करना है टेस्ट योर सेल्फ फोर पॉइंट फोर टेस्ट योर सेल्फ में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन है वाई द आयोनिक कम्पाउंडस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स ज़्यादा क्यों होते हैं इसका आंसर है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉयन पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 हंड्रेड डिग्री एंड अ बॉइलिंग पॉइंट फोटीन थर्टीन डिग्री मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग एट हंड्रेड डिग्री है और बॉयलिंग पॉइंट फोर्टीन थर्टीन डिग्री सेल्सियस है इसकी वजह क्या है एस आयनिक कम्पाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जैसा कि आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आइन से मिलकर बने होते हैं देर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइंस और इन मुखाल चार्ज वाले आइंस के दरम्यान एक स्ट्रॉग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर टू ब्रेक दीज फोर्स बस इस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा मकदार दरकार होती है तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि चूंकि आयनिक कंपाउंड्स मुखालफ चार्ज वाले आयन से मिलकर बने होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बने होते हैं और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आइनस के दरमिया एक स्ट्रॉन्ग एलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा मकदार चाहिए होती है इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें हमने एग्जाम्पल भी दी है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस है जो कि बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी से क्या मुराद है तो इसका आंसर है मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच आर मेटल कैन बी रोल्ड इन टू शीट्स मेलेबिलिटी मेटल्स की वो खासियत है जिसकी वजह से मेटल्स को चादरों की सूरत में फैलाया जा सकता है फ्रेंड्स मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनको कूट कूट कर हम चादरों की शक्ल में फैला सकते हैं और इसी वजह से हम मुख्तलिफ दरवाजे खिड़कियाँ विंडोज़ बनवा लेते हैं चूँकि ये प्रॉपर्टी मेटल में पाई जाती है फ्रेंड्स आज हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने थे टेस्ट योर सेल्फ से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू